1897 एक रशियन कार्गो शिप 50 लकड़ी के बक्से लेकर रोमानिया से इंग्लैंड के लिए निकलता है, लेकिन जब जहाज इंग्लैंड पहुंचा तो वो वीरान था। जहाज का नाम डेमीटर था और ये उसके क्रू की कहानी है जो कि जहाज के कैप्टन की डायरी पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत में तीन लोग अंधेरी रात में दिया लेके हाथ में एक दरवाजे पर पहुँचते हैं। उनमें से एक दरवाजे पर नॉक करता है। दरवाजे के पीछे से एक अंकल निकलते हैं। तीनों में से एक बंदा अंकल को बताता है, भाई रोला पै गया, जल्दी चल। वो चारों जल्दी जल्दी समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, जहां उन्हें टूटा हुआ जहाज दिखाई देता है। जहाज के पास जाने पर उन्हें वहां एक चिकना मिलता है जो बताता है कि वो जहाज पर चढ़ा था ये देखने के लिए कोई बचा है या नहीं, पर पूरा जहाज वीरान है। टोपी वाले अंकल चिकने के हाथ में एक डायरी देखते हैं। चिकना बोलता है कि ये कैप्टन की डायरी है। अंकल डायरी खोलते हैं। डायरी में लिखा है, ये डायरी हम लोगों की कहानी और एक चेतावनी है, और अगर तुम्हें ये डायरी मिल गई है मतलब तुम्हारे लोड़े लग गए हैं। भगवान तुम्हें बचाए, क्योंकि वो जहाज से निकल चुका है। हमने उसे रोकने की कोशिश की है, अगर हम नहीं कर पाए तो तुम लोगों को हैप्पी रेस्ट इन पीस इन एडवांस। ये पढ़कर वो सभी लोग शिप पर चले जाते हैं और फिल्म फ्लैशबैक में 4 हफ्ते पीछे चली जाती है, जहाँ हम कुछ लोगों को घोड़ा गाड़ी के ऊपर लकड़ी के बक्से बंदरगाह पर डिलीवरी करते देखते हैं। यह हमें एक ब्लैक आदमी दिखाया जाता है। ये कौन है हम बाद में जानेंगे, क्योंकि कोई आफत आ रही है। फिर हमें डेमीटर जहाज के कैप्टन और उनका पोता टोबी दिखाया जाता है। कैप्टन बताते हैं कि आज 6 जुलाई है और हम रोमानिया में हैं। कैप्टन ये भी बताते हैं कि हमें जहाज के लिए और भी क्रू मेंबर चाहिए, इसलिए मैंने मिस्टर वॉजैक को ये काम दिया है। मिस्टर वॉजैक सब कैंडिडेट्स को बोलते हैं कि हम लोग लंदन जाएंगे, हमें जहाज पर काम करने के लिए 3 हट्टे कट्टे लोगों की जरूरत है और उन्हें गोल्ड में पेमेंट की जाएगी। तभी एक बूढ़ा बोलता है, मैं तैयार हूँ पर मैं बिटकॉइन में पेमेंट लूंगा। सभी लोग हंस देते हैं। मिस्टर वॉजैक काले आदमी के पास आते हैं। वो आदमी अपना नाम क्लेमन बताता है। कैप्टन बोलते हैं, तुम तो पढ़े लिखे लगते हो तो यहाँ क्या कर रहे हो। क्लेमन बोलता है, मोदी जी ने नौकरी का वादा किया था, वो तो मिली नहीं तो घर का खर्च चलाने के लिए यहाँ आ गया। ये जुमले की सरकार है, बोलती ज्यादा है करती कुछ नहीं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, मजा आया। इस पर कैप्टन पूछते हैं, तुम कौन स्कूल गए हो बाबू। क्लेमन बोलता है, फालतू यूनिवर्सिटी, मैंने वहाँ से डॉक्टरी पढ़ी है। पर वो जग तो बीजेपी का सपोर्टर निकला, वो क्लेमन को ओवर क्वालिफाइड बोलकर फेल कर देता है। ये सुनकर क्लेमन भी लाइक गजब बेइज्जती है। इसके बाद मिस्टर वॉजैक उस बूढ़े आदमी और एक अन्य को जॉब पर रख लेते हैं। अगले सीन में क्रू का एक मेंबर ऑलगेरन लकड़ी के बक्से ढोने वालों से बात करके मिस्टर वॉजैक को बताता है कि वो लोग जहाज पर सामान नहीं चढ़ाना चाहते, क्योंकि वो लोग सूरज डूबने से पहले जाना चाहते हैं। इस पर वॉजैक बोलते हैं, ये क्या बकवास है, मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं। उन बक्सा ढोने वालों में से एक बूढ़ा वॉजैक के पास आकर उसके हाथ में डिलीवरी का पैसा वापस कर देता है और बोलता है, इसे गाड़ में डाल ले। फाइनली डेमीटर जहाज के लोग कार्गो खुद ही जहाज पर चढ़ाते हैं और लकड़ी के बक्से जहाज पर रखते हैं। एक बक्सा चढ़ाते समय वो बूढ़ा एक बक्से पर ड्रैगन का निशान देख लेता है, जिससे वो थोड़ा हैरान हो जाता है और रस्सी उसके हाथ से फिसल जाती है। ऐसे मेरी जीएफ मेरे हाथ से निकल गई। हमारे मतलब बाप को बक्सा नीचे गिरने लगता है और बक्से के नीचे टोबी आ जाता है, तो क्लेमन सही टाइम पर पहुंच कर टोबी को बचा लेता है। कैप्टन बोलते हैं, पकड़ो उस बहन के टकले को, पर वो बूढ़ा उल्टा कैप्टन पे चौड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुमने ड्रैगन के निशान के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं, ये निशान अपशगुन ही है और रखो अपना सोना शैतान के सपोलो, मैं चला। कैप्टन क्लेमन को थैंक यू बोलते हैं और मिस्टर वॉजैक को इशारा करते हैं। मिस्टर वॉजैक क्लेमन के पास आकर बोलते हैं, मैं अभी तुम्हें सिर्फ इंटर्नशिप पे रख रहा हूँ, इसलिए पीएफ मत मांगना, और हाँ आएगा तो मोदी ही। ये बढ़िया था। क्लेमन अपनी पोटली लेकर शिप पर चढ़ जाता है और काम पर लग जाता है। मिस्टर वॉजैक कैप्टन के इशारे पे जहाज का व्हील घुमा देते हैं और डेमीटर शान से इसलैंड की और डेमीटर शान से इंग्लैंड की यात्रा पर निकल जाता है। जहाज पर टोबी और क्लेमन की दोस्ती हो जाती है। टोबी क्लेमन को जहाज का टूर देने लगता है। टोबी क्लेमन को अपने कुकुर हक से भी मिलवाता है और साथ ही बताता है कि अगर तुम किसी ट्रबल में हो या तुम्हें कोई भी सिग्नल देना हो तो लकड़ी के खंभे पर नॉक कर दो। सारे जहाज पर इसकी आवाज सुनाई देती है। टोबी क्लेमन को जानवर भी दिखाता है और बताता है कि ये ट्रैवल के दौरान खाने के काम आएंगे और इनकी सफाई की जिम्मेदारी मेरी है। टोबी क्लेमन को कुक जोसेफ से भी मिलवाता है। जोसेफ ईश्वर और बाइबल में गहरा विश्वास रखता है। अगले सीन में कैप्टन डायरी में लिखते हैं, 6 जुलाई हम रवाना हुए। जहाज में कुछ कॉटन है, कुछ कच्चा तेल है और कुछ प्राइवेट लकड़ी के डिब्बे हैं जिन्हें लंड पहुंचाना है। क्या कर रहे हैं तू? सॉरी। जिन्हें लंदन पहुंचाना है। हम 5 लोग हैं, जिनमें एक डॉक्टर है, 2 हेल्पर है,
एक कुक है और एक मैं खुद हूँ। हवा अच्छी चल रही है और जहाज के सभी लोग उत्साहित हैं। अगले सीन में मिस्टर वॉज एक कैप्टन को बताते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं। कैप्टन बोलते हैं कि इस रफ्तार से तो हम 6 अगस्त से पहले लंदन पहुंच जाएंगे और कंपनी हमें बोनस देगी। कैप्टन आगे बोलते हैं कि मैंने फैसला ले लिया है कि ये मेरी आखिरी यात्रा होगी, मैं आयरलैंड में खोली ले लूंगा, मुंबई से तो काफी सस्ती पड़ेगी, टोबी भी वहाँ खुश रहेगा और वैसे भी मैंने अपनी मरहूम बेटी को वादा किया था कि मैं टोबी को समुद्र से दूर रखूंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि टोबी के मॉम डैड को क्या हुआ और वो अपने दादा के साथ क्यों है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखिए, आपको टोबी का इतिहास मालूम पड़ेगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड में होगा। कैप्टन आगे बोलते हैं कि वो कंपनी को बोल देंगे कि वो आपको डीमीटर का अगला कैप्टन बना दे। मिस्टर वॉज ये सुनकर गदगद हो जाते हैं। इतनी खुशी। उस रात जब जहाज पे सब सो रहे होते हैं, जहाज के चूहे किसी चीज से डर के भाग जाते हैं। अगली सुबह जब सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी हैक डिनर टेबल के नीचे लगी जाली पर भौंकने लगता है। टोबी क्लीम नीचे जाके चेक करते हैं, वो देखते हैं कि सभी जानवरों ने हल्ला काट रखा है। टोबी क्लीमन से पूछता है अब इनको क्या चुल मच गई। इस पर क्लीमन बोलता है कि हो सकता है ये वेदर की वजह से हो, कुछ जानवर तूफान को पहले ही सेंस कर लेते हैं। तब एक जोर का झटका लगता है और टोबी और क्लीमन को कुछ गिरने की आवाज आती है। क्लीमन सामान रखने की जगह पर जाकर चेक करता है, क्लीमन देखता है कि उन लकड़ी के डिब्बों में से एक डिब्बा गिर गया है। क्लीमन नजदीक जाकर देखता है तो उसे वहाँ मिट्टी मिलती है जो उस डिब्बे में से ही निकली थी। क्लीमन मिट्टी को और नदी से चेक करने लगता है, तभी मिट्टी हिलती है। क्लीमन डर के पीछे हट जाता है, उसकी गोटियाँ डर के मारे मुँह में आ ही गई थी। मिट्टी में एक लड़की अंगड़ाई लेती है, क्लीमन देखता है ये तो गोरी मैम है। Nice. लकड़ी में लड़की, इस भाई का तो यारे गुड्डे। क्लीमन लड़की को उठाकर कैप्टन के रूम में पहुंच जाता है, बाकी एक रूम भी वहां पहुंच जाता है। मिस्टर वॉजेक बोलते हैं कि हम नहीं जानते लड़की जहाज पर कैसे पहुंची, हो सकता है इसमें कोई इन्फेक्शन हो, हमें इसे तुरंत जहाज से फेंक देना चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस पर क्लीमन बोलते हैं कि हाँ ये लड़की इन्फेक्टेड है, पर मैं इसका खून अपने खून से बदल कैसे ठीक कर दूंगा। कोई सेंस है इस बात की? कैप्टन भी क्लीमन की बात मान जाते हैं। क्लीमन एक सुई अपने हाथ में और दूसरी सुई लड़की की नसों में घुसेड़ देता है और अपना ब्लड उसके अंदर पंप करने लगता है। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। भाई ब्लड ग्रुप नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? और ये बंदा डॉक्टर है। उधर अगले सीन में ड्रैगन वाले बॉक्स में कोई क्रिएचर लेटा है, जो बाहर निकल कर उस बॉक्स के पास जाता है जिसमें से लड़की निकली थी, पर वो वहाँ लड़की को नहीं पाता। उधर क्लीमन सारे काम छोड़कर जोरू की सेवा में लग जाता है। टोबी वहाँ आता है, क्लीमन टोबी को बोलता है कि वो गोरी मैम का ध्यान रखे और ये बोल के जहाज के डेक पर चला जाता है। डेक पर ऑल गैरन क्लीमन को बोलता है कि जहाज के सभी क्रू मेंबर क्लीमन से नाराज है क्योंकि उसने लड़की को जहाज पर ही रोक लिया, जहाज पर लड़की का होना पनौती होता है, और ये कहकर ऑल गैरन जहाज के दूसरी तरफ चला जाता है। ऑल गैरन दूरबीन खोलकर समुद्र पर एक नजर मारता है, तभी ऑल गैरन दूरबीन को दूसरी तरफ घुमाता है तो दूरबीन में से एक डरावना शैतान दिखता है। ऑल गैरन की आत्मा कांप जाती है, ऑल गैरन दूरबीन हटाकर देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता। उधर क्लीमन शिप पर एक आदमी को देखता है, उसे लगता है कि वो ऑल गैरन है। क्लीमन आवाज देता है तो कोई रिप्लाई बैक नहीं आता। क्लीमन खुद चेक करने जाता है, क्लीमन डेक पर नॉक करता है पर नॉक का भी कोई जवाब नहीं आता। क्लीमन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, क्लीमन असमंजस में होता है तभी एक हाथ क्लीमन के कंधे पे आता है, क्लीमन बुरी तरह से डर जाता है। क्लीमन देखता है कि उसके पीछे ऑल गैरन है। ऑल गैरन बोलता है क्या तुमने भी देखा? क्लीमन बोलता है क्या देखा, सुनो हमारे सिवा इस डेक पर कोई नहीं है और तुम्हें डराना बंद करो यार, मैं भगंदा का मरीज हूँ, पता फटती तो कितना दर्द होता है। इस पर ऑल गैरन बोलता है ये जहाज पर है कुछ तो है, कुछ डरावना, और ऐसा कहकर वो चला जाता है। डेक के नीचे जहाज में हैक कुछ देखता है, उसे भौंकने लगता है और फिर डर कर पीछे हटने लगता है और वो चीज कुकुर पर झपट कर उसे मार देती है। जोसेफ नीचे आता है और हैक को मरा देखता है, हैक का पूरा शरीर फाड़ रखा था। जोसेफ बाकी जानवरों को भी देखने जाता है तो वहाँ भी सभी जानवर को किसी ने मार रखा था, सभी जानवरों की गर्दन पर जख्म के निशान थे। कैप्टन के रूम में इमरजेंसी मीटिंग होती है, मीटिंग में क्रू का एक बंदा पेट्रोस की वो बोलता है वो लड़की ये सब उसी का किया हुआ है। क्लीमन बोलता है वो लड़की इतनी कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकती तो भला वो ये सब कैसे करेगी। इस पर पेट्रोस की बोलता है हो सकता है कि लड़की ने खुद ना किया हो, पर हम सब जानते हैं कि जहाज पर लड़की का होना अच्छी बात नहीं है। आखिर में क्लीमन बोलता है कि हो सकता है ये रेबिस की वजह से हुआ हो। कैप्टन सबको चुप रहने का बोलते हैं और वॉजेक को मरे हुए जानवरों को समुद्र में फेंकने का आदेश देते हैं
ताकि रैबिज इंसानों में ना फैले और चले जाते हैं। पेट्रोस की गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तुम सब क्या सठिया गए हो? रैबिज जानवरों के पिंजरे खोलकर उन्हें नहीं मारेगा, ये जरूर उस लड़की का किया हुआ है या फिर इस नकली डॉक्टर का। इस पर क्लीमन पेट्रोस्की पर हमला करने जाता है, पर क्रू के दूसरे लोग क्लीमन को प्यार से समझा देते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वही हमें दूसरी तरफ शिप के कोने में एक बूढ़ा सा क्रिएचर कांपता हुआ दिखता है। अब ये कौन है बे? अगले सुबह क्रू के लोग मरे हुए जानवर को समुद्र में फेंक देते हैं और हमें वही बूढ़ा क्रिएचर अपने डिब्बे की तरफ वापस जाता दिखता है। अगले सीन में समुद्र में तूफान आने वाला है, सब लोग पतवार बांध रहे हैं। वहीं और गैरन क्लीमन से बोलता है कि आसमान गुस्से में है। इस पर क्लीमन बोलता है, आसमान गुस्से में नहीं हो सकता मेरे दोस्त, तूफान आना साइंस की बात है। और गैरन क्लीमन से बोलता है, यकीन मानो कल रात मैंने कुछ देखा था जो इस दुनिया का नहीं था, कुछ डरावना। इस पर क्लीमन बोलता है, देखो मैं अंधविश्वास की बातों पे विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ साइंस और लॉजिक में विश्वास करता हूँ। आगे ऑल गैरन बोलता है, तुम अपनी साइंस अपने पास रखो, मैंने कल रात तेरा चेहरा भी देखा था, तेरी भी फटी पड़ी थी, तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा था। अगले सीन में कैप्टन डायरी में लिखते हैं कि आज 16 जुलाई है, पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, क्लीमन लड़की गुलामी में बिजी है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। जहाज पर खाने की कमी चल रही है और हमें अभी भी 2 हफ्ते का सफर और करना है, भगवान हमारी रक्षा करे। उस रात जोसेफ क्लीमन को बोलता है, तुमने नोटिस किया सभी चूहे शांत हैं, मैंने उन्हें ढूंढा और वो जहाज छोड़ के जा चुके हैं, किसी ने उन्हें बुरी तरीके से डरा दिया है। चूहों का जहाज छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है मिस्टर क्लीमन, कुछ बुरा होने वाला है। ऊपर डेक पर पेट्रोस्की रात में शिप पर ड्यूटी दे रहा है, तभी वो देखता है कि शिप की ऊपरी जाली टूटी हुई है। पेट्रोस्की कुछ समझ ही रहा होता है कि तभी उसे करहाने की आवाज आती है। पेट्रोस्की जाकर चेक करता है, पेट्रोस्की देखता है कि शिप के एक कोने में एक बूढ़ा सा कमजोर आदमी फर्श पे पड़ा है। पेट्रोस्की छुरी निकाल लेता है और उस बूढ़े की तरफ बढ़ता है। पेट्रोस्की उसे देख ही रहा होता है कि तभी बूढ़ा क्रिएचर अचानक एक झटके से उछलकर पेट्रोस्की पे हमला कर देता है और उसका गला फाड़ देता है। पेट्रोस्की अपने कटे गले को पकड़ता है ताकि खून को रोक सके और गिर जाता है। तब वो बूढ़ा क्रिएचर पेट्रोस्की पर चढ़ता है और उसका मुंह दबाकर पेट्रोस्की गले में दांत गाड़ देता है और घायल पेट्रोस्की जीते जी उस क्रिएचर को अपना खून पीते हुए देखता है पर कुछ कर नहीं पाता। आखिर में वो क्रिएचर पेट्रोस्की को मार देता है। अगली सुबह सब डेक पर है, कैप्टन पूछते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है क्या हुआ होगा। इस पर वोजेक बोलते हैं कि पेट्रोस्की ने ज्यादा चढ़ा ली होगी और मदहोशी में उसका पैर फिसल गया होगा और वो समुद्र में गिर गया होगा। इस पर क्लीमन बोलता है, तो फिर जहाज पर खून क्यों है? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्लीमन कैप्टन को बोलता है, मैंने कुत्ते की लाश को देखा था, किसी ने उसे बेरहमी से मारा है, उसकी अतड़ियां तक चीर दी थी। तभी गोरी मैम निकल कर बाहर आती है और बोलती है कि वो इस जहाज पर है, वो हम सबको मार देगा, हमें अभी इसी जहाज से उतरना होगा, वो हम सबको मार देगा। इस पर वोजेक बोलते हैं, लड़की सही बोल रही है, मैं ओला बुक कर लेता हूँ, सब अपना सामान बांध लो। इस पर दूसरा क्रू मेंबर लार्सन गुस्से में बोलता है, हम सबकी फटी पड़ी है और तुम्हें सार्केज्म सूझ रहा है। इस पर वोजेक बोलते हैं, तो तुम ही बताओ और मैं क्या करूँ। अगले सीन में कैप्टन डायरी में लिखते हैं कि आज 18 जुलाई है, एक क्रू मेंबर पेट्रोस्की भी गायब है, मैंने लोगों को जहाज पर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करने को कहा है क्योंकि ऑल गैरन ने बताया है कि उसने एक रात पहले जहाज पर कुछ अजीब देखा था, क्योंकि हो सकता है कि पेट्रोस्की के गायब होने में और उस अजीब चीज में कुछ संबंध हो। रात में क्लीमन गोरी मैम से पूछता है, सुबह तुम क्या कहना चाहती थी, कौन है इस जहाज पर और तुम लकड़ी के डिब्बे में बंद क्यों थी। इस पर गोरी मैम बताती है कि उनके गांव में एक शैतान पहाड़ों में रहता है, उसका एक किला है जो सदियों पुराना है, हम उसे ड्रैगुला कहते हैं, वो शैतान इंसानों जैसा दिखता है जब वो छिपना चाहता है, पर वो रातों में मासूम लोगों का खून पीता है और जिंदा रहता है। मेरी पूरी जिंदगी उस किले के पास के गांव में बीती है, मेरे गांव वाले अपने लोगों की रक्षा के लिए गांव के किसी एक आदमी को उस शैतान के पास भेज देते हैं ताकि वो उसका खून पी सके और पूरे गांव को छोड़ दे, और मेरे साथ भी यही हुआ। इस पर क्लीमन बोलता है, देखो ये सब अंधविश्वास है और मैं अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ साइंस और लॉजिक को मानता हूँ। तेरे बाप को मत सिखा। गोरी मैम अपनी बात प्रूफ करने के लिए अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और क्लीमन को अपने शरीर पर दांतों के काटने के निशान दिखाती है और बोलती है कि वो मुझे इस जहाज पर लाया है ताकि सफर के दौरान मेरा खून पी सके। जख्म देख कर क्लीमन भी परेशान हो जाता है, क्लीमन भी लाइक अगली रात लार्सन डेक पर ड्यूटी दे रहा है, तभी उसे वहाँ नॉक की आवाज आती है। लार्सन को लगता है कि ये नॉक ऑल गैरन ने की है,
वो ऑलगरन को आवाज लगाता है। ऑलगरन भी वहाँ आ जाता है और बोलता है कि मैंने भी नॉक की आवाज सुनी। लार्सन बोलता है मुझे लगा नॉक तुमने की है। तभी उन दोनों को एक बार और नॉक की आवाज सुनाई देती है। ऑलगरन चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी लार्सन पर ड्रैकुला हमला कर देता है और लार्सन का साथ डेक पर मार मार के तोड़ देता है। पता नहीं क्यों I like it। ऑलगरन की ये देख के फट जाती है। वो जान बचाने के लिए ऊपर रस्सियों पर चढ़ जाता है, पर वो क्रिएचर भी ऑलगरन के पीछे पीछे ऊपर रस्सियों पर चढ़ जाता है। सभी लोग डेक पर आते हैं और लार्सन और ऑलगरन को ढूंढने लगते हैं। क्लेमन देखता है कि टोबी पर खून की बूंदें गिर रही हैं। ऊपर देखने पर ऑलगरन उन्हें ऊपर रस्सियों पर घायल मिलता है। वो लोग ऑलगरन को नीचे उतारते हैं। नीचे आते ही ऑलगरन होश में आता है और तड़पने लगता है। वो लोग ऑलगरन को पकड़ कर नीचे टेबल पर बांध देते हैं। क्लेमन ऑलगरन के गले के घाव को सील देता है। कैप्टन बताते हैं आज 24 जुलाई की रात है, जहाज पर एक और आदमी मर गया है और एक घायल है। हमें जहाज पर 18 दिन हो गए हैं और सबसे नजदीक का पोर्ट अब इंग्लैंड है। हम सब एक शैतानी और अनजान समस्या में फंस गए हैं। सिर्फ भगवान ही हमारी रक्षा कर सकता है। अगले सीन में क्लेमन कैप्टन को बोलता है ऑलगरन के गले पर ठीक वैसा ही घाव है जैसा कि जानवर के गले पर था। हमारे साथ इस जहाज पर कोई ना कोई चीज है। इस पर कैप्टन बोलते हैं कि मिस्टर वॉज एक पूरे जहाज को छान मारो और जो भी मिले उसे भून दो। तभी बच्चे लोग जहाज की छानबीन में लग जाते हैं और कोना कोना छान मारते हैं। उधर ऑलगरन भी अब होश में आ चुका है और हम देखते हैं कि वो शैतानी शक्ति के बस में है। टोबी जहाज में घूम रहा होता है। उधर पोजेस ऑलगरन भी जहाज में घूमने लगता है। आगे टोबी को ऑलगरन मिलता है। टोबी देखता है कि ऑलगरन की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी हैं। टोबी डर जाता है और फटी गांड लेकर भागता है। ऑलगरन भी टोबी का पीछा करता है, लेकिन टोबी किसी तरीके से बचकर कैप्टन के रूम में छिप जाता है और कुंडी लगा लेता है। टोबी को लगता है कि अब वो सुरक्षित है। तभी दरवाजे पे एक जोरदार नॉक होती है। हम देखते हैं कि ऑलगरन दरवाजे पे सर मार रहा है और टोबी टेबल के नीचे छिप जाता है। ऑलगरन सर मार मार के दरवाजा तोड़ देता है। तभी क्लेमन भी वहाँ पहुँच जाता है। वो देखते हैं कि ऑलगरन पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका है। ऑलगरन क्लेमन पर हमला करता है। तभी क्रू के बाकी लोग आकर ऑलगरन को पकड़ लेते हैं। अंदर कमरे में टोबी ड्रैकुला को देखता है। दूसरी तरफ क्लेमन कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी क्लेमन कैप्टन और अब्राहम पहली बार दरवाजे के पास ड्रैकुला को देखते हैं। क्लेमन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्लेमन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। उधर ड्रैकुला टोबी को पकड़कर उसके गले में दांत गाड़ देता है और उसका खून पी जाता है। कमरे के बाहर गोरी मैम आती है और कुंडी को गोली मार के उड़ा देती है और सब कमरे में अंदर आते हैं। वहाँ उन्हें टोबी घायल मिलता है। क्लेमन टोबी की पट्टी कर देता है और कैप्टन उसे अपना खून देते हैं। कैप्टन बताते हैं कि आज 1 अगस्त है और लंदन पहुंचने में अभी 5 दिन बाकी है। ऐसा लगता है मानो भगवान ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया है। वो लोग ऑलगरन को डेक पर बांध देते हैं। तभी ऑलगरन बोलता है कि वो सब कुछ सुन और समझ सकता है, बहती हवा देख सकता है, तुम्हारे खून को बहता सुन सकता है। वो लोग ऑलगरन की बातों को समझ ही रहे होते हैं कि सूर्य उदय होने लगता है और ऑलगरन पर सूरज की रोशनी पड़ने लगती है और ऑलगरन जलने लगता है। और देखते देखते जलकर खाक बन जाता है। अगले सीन में सब नीचे जहाज में बैठे हैं। जोसेफ बोलता है ये सब भगवान की सजा है जो हमें मिली है, ये हमारे पापों का दंड है। क्लेमन वॉजक को बोलता है ऑलगरन को जो कुछ भी हुआ वह टोबी के साथ भी होगा। खून का बदला भी उसे बचा नहीं सकता क्योंकि वह बहुत कमजोर है। उस क्रिएचर ने उसका खून ज्यादा ही पी लिया है। हमें टोबी को मारना होगा वरना वो हम सब पर हमला करेगा और हम सब भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। उस रात क्लेमन और गोरी मैम कैप्टन के रूम में जाते हैं और बंदूक उठा लेते हैं। क्लेमन रिकॉर्ड में चेक करता है कि वो लकड़ी के डिब्बे लंदन में आखिर जा कहां रहे थे, पर क्लेमन को पता चलता है कि रिकॉर्ड में डिब्बे जाने का एड्रेस तो है पर मंगाने वाले का नाम नहीं। वही डेक पर जोसेफ अब्राहम के सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है और एक छोटी सी नाव लेकर समुद्र में अकेला निकल जाता है। दूसरी तरफ डेक के नीचे क्लेमन और गोरी मैम लकड़ी के डिब्बे एक एक करके खोने लगते हैं ताकि उस क्रिएचर को ढूंढ सके, पर उन्हें हर डिब्बे में सिर्फ मिट्टी ही मिलती है। उसके बाद दोनों को एक डिब्बा मिलता है जिस पर ड्रैगन का निशान होता है। क्लेमन और गोरी मैम उस डिब्बे को खोलकर देखते हैं। गोरी मैम डिब्बे पर लगे मैकेनिकल लॉक को खोल देती है और डिब्बा खुल जाता है। वो बॉक्स खोलने पर उन्हें मिलती है मिट्टी। खैर उस मिट्टी में क्लेमन को एक छड़ भी मिलती है जिस पर ड्रैगन का फेस बना है। उधर भगोड़ा जोसेफ जो छोटी नाव लेके समुद्र में है अचानक उसे आवाजें सुनाई देने लगती है और फिर उसके नाव पर वही क्रिएचर आके बैठ जाता है और हम ये जान पाते हैं कि He can fly. He can fly.
अगले सीन में हम देखते हैं कि एक खाली छोटी नाव डीमीटर जहाज के पास आती है। इसमें खून के निशान है, यानी जोसेफ को भी उस क्रेचर ने मार दिया और वो क्रेचर अब जहाज पर वापस आ चुका है। अगली सुबह हम देखते हैं कि टोबी का पार्थिव शरीर डेक पर है और सभी बचे हुए क्रू के लोग भी वहाँ पर हैं ताकि टोबी की लाश को समुद्र में फेंक सके। गोरी मैम एक प्रेयर बोलती हैं। तभी कैप्टन देखते हैं कि टोबी की लाश में कुछ हलचल हुई है। प्रेयर खत्म होने पर जैसे ही वो लोग टोबी की लाश को फेंकने वाले होते हैं, कैप्टन उन्हें रोक लेता है और बोलता है कि मैंने कुछ हलचल देखी, और टोबी का कफन फाड़ देते हैं। तभी टोबी की आंखें खुलती हैं और वो कैप्टन पे चिपक जाता है। सूरज की रोशनी से टोबी में भी आग लग जाती है। क्योंकि टोबी कैप्टन पे चिपक गया था, कैप्टन भी जल जाते हैं। वो लोग कैप्टन को टोबी से अलग करते हैं और जलते हुए टोबी को समुद्र में धक्का मार देते हैं। टोबी की लाश समुद्र में नीचे गिरती जाती है और आधे पके हुए कैप्टन जहाज पर टोबी के लिए दुखी होते हैं। क्लेमन वोजेक से बात करता है और बताता है कि उसके पास ड्रैकुला को पकड़ने का एक प्लान है। इस पर वोजेक बोलता है, हम सब मरने वाले हैं और तुम्हें प्लान खेलना है। तब क्लेमन अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। चलो भाई, क्लेमन बोलता है, मैंने फालतू यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि एक बड़े कॉलेज से डॉक्टरी पढ़ी थी, लेकिन किसी ने मुझे जॉब नहीं दी क्योंकि जब मैंने पास किया तब कोविड चल रहा था और मैंने पूरी डॉक्टरी ऑनलाइन की थी। मैंने बड़े से बड़े हॉस्पिटल से लेके मोहल्ला क्लिनिक में भी अप्लाई किया, सब ने मुझे मना कर दिया। फाइनली मुझे यहाँ इंग्लैंड में जॉब मिली, पर जैसे मेरी जिंदगी में लोड़े कम थे तो ये ड्रैकुला सर पड़ गया। और मिस्टर वोजेक, मैं किसी ड्रैकुला को मेरी पहली जॉब खराब करने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे उस ड्रैकुला की बोटियों की रोटियां ही क्यों ना सेकनी पड़े। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अगले सीन में वो सभी ड्रैकुला को मारने की तैयारी करते हैं। तब क्लेमन बोलता है कि हमें ड्रैकुला को इंग्लैंड पहुंचने से पहले मारना होगा, वरना वो अगर इंग्लैंड पहुंच गया तो उसे ढूंढना और मारना दोनों मुश्किल होगा। इस पर अब्राहम बोलता है कि और हम ये करेंगे कैसे। इस पर गोरी मैम जहाज को डुबोने की बात करती है। वोजेक सिर्फ डुबोने की बात पर बोलता है, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही? ये जहाज मेरा घर है और मैं ये जहाज डुबोने नहीं दूंगा। इस पर क्लेमन बोलता है, हमारे पास यही एक रास्ता है ड्रैकुला को रोकने का। ड्रैकुला जहाज के साथ डूब जाएगा और हम सब छोटी नाव के साथ निकल जाएंगे। वोजेक मान जाता है पर अपने हाथों से जहाज डुबोने की बात करता है। ऊपर जाकर वो लोग ड्रैकुला को फंसाने की तैयारी करते हैं। वो लोग गोरी मैम को चारे के रूप में इस्तेमाल करेंगे और अब्राहम, वोजेक और क्लेमन छिपकर ड्रैकुला पर शूट करेंगे और जब ड्रैकुला घायल हो जाएगा हम उसे जहाज के साथ डुबो देंगे। क्लेमन कैप्टन के पास जाता है और बताता है कि हम इस जहाज को डुबो रहे हैं। इस पर कैप्टन दुखी मन से कहते हैं कि मैं इस जहाज को किनारे तक ले जाऊंगा, तुम लोग वहां उतर जाना, मैं इस जहाज को वापस समुद्र में ले लूंगा जब तक ये जहाज डूब ना जाए। रात के समय सब अपनी पोजीशन ले लेते हैं ताकि प्लान के अनुसार ड्रैकुला को मार सके। अब्राहम को जहाज से इंग्लैंड का किनारा भी दिखने लगता है। तब वोजेक कहते हैं, जहाज पर ध्यान दो। तभी पूरे जहाज पर मिस्टीरियस धुआं आने लगता है और पूरे जहाज को अपनी आगोश में ले लेता है। किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा होता। तभी धुंध में से ड्रैकुला बाहर निकलता है और अब्राहम को उसकी कमर पर बंधी रस्सी से नीचे खींचने लगता है। वो जब अब्राहम को रोकने की कोशिश करता है पर ड्रैकुला अब्राहम को खींचकर उसे हवा में ही काट देता है। अब डरा हुआ वोजेक रस्सियों से नीचे उतरने लगता है। तभी ड्रैकुला उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। वोजेक जहाज की जालियां तोड़कर नीचे जहाज पर गिर जाता है और उसकी टांग की हड्डी टूट जाती है। ऊपर डेक पर गोरी मैम और क्लेमन दोनों छोटी नाव पर सामान रखने लगते हैं। नीचे वोजेक टूटी टांग के साथ चिपके और अंदर जाता है और एक कुल्हाड़ी से नाव के कमजोर हिस्से पे वार करता है। तभी ड्रैकुला भी वहाँ जाता है और वोजेक को मार देता है। ये सीन देख के आई वॉज लाइक, नो गॉड, नो गॉड, प्लीज नो। क्लेमन भी वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि वोजेक मर चुका है। क्लेमन कुल्हाड़ी ले लेता है। ऊपर जहाज भी अब तूफान में फंस गया है। कैप्टन डेक पर आते हैं और स्टेयरिंग व्हील को थाम लेते हैं। तभी ड्रैकुला उन पर भी हमला कर देता है। क्लेमन कैप्टन के पास पहुंचता है। कैप्टन मरते हुए भी क्लेमन को बोलते हैं कि दुनिया को बताना कि मैंने मरते समय तक जहाज को नहीं छोड़ा, और कैप्टन भी शहीद हो जाते हैं। He died a hero. क्लेमन ड्रैकुला को ललकारता है और बोलता है, मैं तुमसे नहीं डरता, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ साइंस और लॉजिक पर। ये सुनकर ड्रैकुला भी परेशान हो जाता है और फाइनली फुल फॉर्म में आ जाता है। ड्रैकुला भी लाइक, ड्रैकुला क्लेमन को थप्पड़ मार देता है। फाइनली ड्रैकुला ने एक तो अच्छा काम किया, थैंक यू। ड्रैकुला एक बार फिर क्लेमन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी उसे गोली लगती है। ड्रैकुला देखता है कि ये तो गोरी मैम है। ड्रैकुला भी लाइक, मगर क्यों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। ड्रैकुला गोरी मैम पे हमला कर देता है
तो क्लीमेन ड्रैकुला की पीठ पे कुल्हाड़ी मार देता है। ड्रैकुला इसके बाद क्लीमेन को एक हाथ से उठाकर उसके टैटुए घोटने लगता है। ड्रैकुला क्लीमेन की गुद्दी पर एक कट लगाता है। क्लीमेन को बचाने के लिए गोरी मैम एक रस्सी काटती है जिससे एक पतवार का खंभा घूमकर ड्रैकुला में लगता है और ड्रैकुला के अखरोट पिचक जाते हैं। ड्रैकुला दर्द से चिल्ला देता है। उधर गोरी मैम और क्लीमेन दोनों जहाज से समुद्र में कूद जाते हैं और एक टूटे हुए खंभे का सहारा लेते हैं। हम देखते हैं कि डीमीटर जहाज तूफान में गोते खा रहा है। दूर इंग्लैंड के लाइट हाउस से भी कुछ लोग जहाज को डूबता देखते हैं। जहाज फाइनली इंग्लैंड के किनारे पे पहुंच जाता है और ड्रैकुला खंभा हटाकर वहां से निकल जाता है। यानी ड्रैकुला अब इंग्लैंड पहुंच चुका है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम गोरी मैम और क्लीमेन को समुद्र में देखते हैं। हम देखते हैं कि गोरी मैम भी फाइनली इन्फेक्टेड होना शुरू हो चुकी है। क्लीमेन बोलता है कि हम बस एक बार किनारे पहुंच जाए, मैं एक बार फिर खून बदल दूंगा। पर गोरी मैम बोलती है इससे बीमारी रुक जाएगी पर खत्म नहीं होगी। अच्छा यही हुआ कि मैं अपना भाग्य स्वीकार कर लूं। गोरी मैम जाते हुए अपना नाम ऐना बताती है और लकड़ी के टुकड़े पे बैठ जाती है। फिर सूरज निकलता है और ऐना भी जलना शुरू कर देती है। लव यू गोरी मैम। सिर इंग्लैंड के एक बार में शिफ्ट होता है। क्लीमेन उस पते को ढूंढ रहा है जहाँ के लिए ड्रैकुला के डिब्बे बुक थे। क्लीमेन ऐना को ड्रॉ करते हुए कहता है कि ड्रैकुला के थप्पड़ ने मुझको समझा दिया कि साइंस और लॉजिक के परे भी कुछ शक्तियाँ हैं जिन्हें हम पढ़े लिखे लिबरल नहीं समझेंगे और मैं उन शक्तियों को सबके सामने लाऊंगा और अब यही मेरी नौकरी है। तभी क्लीमेन एक बार फिर खटखट की आवाज सुनता है। हम देखते हैं कि एक बंदा काले कपड़ों में अपनी छड़ी से जमीन को ठोक रहा है और क्लीमेन देखता है कि ये तो अपना ड्रैकुला है। ड्रैकुला वहाँ से गायब हो जाता है और क्लीमेन भी उसका पीछा करते हुए बाहर से बाहर आता है। क्लीमेन को बाहर दूर धुंध में ड्रैकुला दिखता है। क्लीमेन उसका पीछा करता है और बोलता है कि मैं ड्रैकुला को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोग भी सब्सक्राइब और लाइक किए बिना मत जाना। और फिल्म एंड हो जाती है।